नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है एमपी न्यूज़ के खास सेगमेंट में। मैं हूँ राहुल दवे। आज हम बात करेंगे पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को। जी हाँ, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में रुपयों की कीमत गिर रही है, वहीं भारत में तेल की कीमत आसमान छू रही है। इस बात से भारत की जनता में काफ़ी आक्रोश है और इसका सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। कांग्रेस पार्टी ने इसका सीधा फायदा उठाते हुए आज यानी 10 सितंबर को भारत बंद का ऐलान करा था। इसी क्रम में भारत में हर जगह बंद का व्यापक असर देखने को मिला। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में सबसे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पर जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता थे, वो उनके कार्यकर्ताओं के साथ में दुकानें बंद कराने निकले थे। जहाँ पेट्रोल पंप चालू थे, वहाँ पेट्रोल पंप संचालकों से बात करके उस पेट्रोल पंप को बंद कराया, साथ ही साथ उन्हें भी अपने साथ में लेकर दूसरे पेट्रोल पंप को बंद कराने के लिए लेकर गए। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की। इंदौर, यहाँ पर भी सुबह से कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने नेताओं के साथ में अपने अपने क्षेत्र में दुकान बंद कराने निकले थे, लेकिन यहाँ पर तरीका थोड़ा अनूठा था। यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जुबा पर मोदी हाय हाय के नारे थे तो हाथों में गुलाब के फूल थे। जो भी दुकान खुली दिखी, वहाँ पर उसके व्यापारी को गुलाब का फूल दिया और उनसे दुकान बंद करने का आग्रह किया। जिन्होंने दुकान बंद कर दी उनका स्वागत किया, जिन्होंने दुकान नहीं बंद करी उनको धन्यवाद बोलते हुए आगे निकल पड़े। कहीं पर इस तरह की भी बात सामने आई है कि जहां पर कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता और आपसी व्यापारियों में मतभेद भी सामने आया। इस समय पर पुलिस इनके साथ में थी। जहां जहां कार्यकर्ता प्रदर्शनकारी चल रहे थे, उनके पीछे सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस उनके पीछे पीछे चल रही थी। अब हम बात करते हैं सागर की। सागर, यहाँ पर धारा 144 लगी हुई थी। इस दौरान यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी की गई। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा हंगामा किया गया, नारेबाजी की गई। इस बात को लेकर वहाँ के पुलिस प्रशासन पर हाय हाय के नारे भी लगाए गए। उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के दौरान कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो पुलिस प्रशासन के हाय हाय के नारे लगाते हुए नजर आए। अब हम बात करते हैं उज्जैन की। उज्जैन में यहाँ पर दो गुटों में कांग्रेस के कार्यकर्ता निकले। पहला एक उज्जैन रोड पर तो दूसरा आगर रोड पर। आगर रोड पर एक पेट्रोल पंप चालू मिला, वहाँ पर जब उसको कार्यकर्ता बंद कराने गए तो जो पेट्रोल व्यवसायी है उससे और कार्यकर्ताओं में आपसी झड़प हुई। इस दौरान पुलिस वहाँ पर मौजूद थी। पुलिस ने वहाँ पर हल्का बल का प्रयोग करा। इसी दौरान ब्लॉक अध्यक्ष के पद पर पदस्थ एक युवक घायल हो गया। उसे पुलिस की ही हिरासत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। अब हम बात करते हैं मंदसौर की। मंदसौर में भी भारत बंद का व्यापक असर दिखा। कहीं कहीं जगह झड़प भी हुई है। खास तौर पर यहाँ पर पुलिस का सख्त पहरा था। जी हाँ, मंदसौर में जब किसान आंदोलन हुआ था उस समय गोली कांड के बाद से एक मुद्दा सामने आ गया था। इस बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट थी और उसकी नज़र कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ में उन लोगों पर भी नज़र थी जो लोग इस किसान आंदोलन के समय उग्र हुए थे और उन्होंने इस आंदोलन में एक हिस्सा बन के हिंसा का रूप दिया था। अब हम बात करते हैं सीहोर की। ये वही मुख्यमंत्री का शहर सीहोर है। यहाँ पर खास नज़र बुधनी विधानसभा पर थी। बुधनी विधानसभा वही है जहाँ पर मुख्यमंत्री विधानसभा का चुनाव लड़कर विधायक के तौर पर सामने आए थे। यहाँ पर भी बंद का व्यापक असर देखने को मिला। सभी व्यापारियों ने सहमति से अपनी दुकानें बंद रखी। अब हम बात करते हैं जबलपुर की। जबलपुर में एक अनूठा आंदोलन सामने दिखा। यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक स्कूटर में आग लगाकर अपना प्रदर्शन जारी रखा। उनका कहना था कि ऐसी गाड़ी पर चलने से क्या मतलब जिसमें पेट्रोल डालने के उनके पैसे ही उनके पास ना हो। साथ ही साथ बहुत सारी जगह पर बैटरी गाड़ियों से कार्यकर्ता चले तो कहीं साइकिल पर चले। इस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में बंद का व्यापक असर देखने को मिला है और वहीं पुलिस ने भी एहतियातन के तौर पर सभी जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम करके रखे थे। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जिले में हर उन बड़े नेताओं कांग्रेस के बड़े नेताओं से चर्चा और उनसे उनके साथ में मीटिंग हुई थी, जहां पर उनसे कहा गया था कि यह एक आंदोलन अहिंसात्मक रूप से होना चाहिए, इसमें कहीं भी हिंसा का रूप नहीं दिखे। लेकिन प्रदेश के कुछ जिलों में हिंसा का रूप भी सामने देखने को मिला। आज के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एमपी न्यूज़ से ताज़ातरीन खबरों के लिए।